हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ डेली फाइव क्वेश्चन ओके फॉर क्लास टेंथ मैथ्स नाउ वी विल कंटिन्यू लेट्स हैव अ लुक हियर द क्वेश्चन ऑफ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन देखिए यहाँ पे बोला है द सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी कौन सा टर्म सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो ओके प्रूव दैट द थर्टी टर्म ऑफ द ए पी इज थ्री टाइम्स इट्स फोर्टीन टर्म ओके ये चीज हमें देखनी है फोर्टीन टर्म का थ्री टाइम्स है अच्छा अब देखिए हमें समझना है सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो प्रूव दैट द थर्टी एट टर्म ऑफ द ए पी इज थ्री टाइम्स इट्स फोर्टीन टर्म अच्छा बच्चों, जो चीज मैं जानता हूँ जो चीज आप भी जानते हैं अगर मैं कहता हूं यहाँ पे देखिए इफ आई वाइट लेट ए a be the first term and d be the common difference okay देखिए बच्चों हमने क्या किया हमने लिखा लेट a be the first term एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है ए बी द वट इज ए ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस क्या ये बात क्लियर है हमने ये कंसिडर करके यहाँ पे चल रहे हैं जब कभी ऐसा होता है ऑफ गिवेन एन ए पी ऑफ गिवेन ए पी ऑफ गिवेन A एपी देन इट्स जनरल टर्म ठीक है क्या होता है भाई जनरल टर्म ऑफ एपी गिवन क्या होता है अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है बच्चों ठीक है ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवेन एपी तो उसका जनरल टर्म है वो क्या होता है जनरल टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी होता है ठीक है ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है आप सभी को ये चीज क्लियर होगी ठीक है अगर कोई ए पी है और उस ए पी का फर्स्ट टर्म हमें पता है और कॉमन डिफरेंस पता है फर्स्ट टर्म हमारा ए है और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है आप सभी को पता है एक बार मैं दिखा देता हूं आपको ये ए जो है वो हमारा क्या है फर्स्ट और ये जो डी है वो क्या है कॉमन डिफरेंस ओके अच्छा ये मेरा जो है n टर्म लास्ट टर्म भी इसको बोलते हैं ठीक है ये हमारा लास्ट टर्म को भी डिनोट करता है अब बात आती है इतनी बात जानने के बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी का जो सिक्स्थ टर्म है ये किसका फॉर्मूला है जनरल टर्म एन ए टर्म का फॉर्मूला है किसका है बच्चों एन ए टर्म का यहां पे क्या दिया है सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो जो छठा टर्म है वो क्या है जीरो है तो हम क्या करेंगे एन ए टर्म का फॉर्मूला हमें पता है यहां पे एन की प्लेस पे हम क्या रखेंगे सिक्स सिक्स टर्म ये एन ए टर्म का फॉर्मूला है तो यहां पे हमने सिक्स रखा एन इज इक्वल टू सिक्स इस, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहां पे ए सिक्स हो जाएगा ए लिखा सिक्स माइनस वन एन की जगह सिक्स और ये हो गया अब इसके बाद देखिए इसको क्या लिखेंगे ए सिक्स ए प्लस फाइव डी ठीक है ये हमारे पास आ गया ए प्लस फाइव डी अच्छा जब ये ए प्लस फाइव डी आ गया है तो इसको देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके हिसाब से मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ इक्वेशन वन ठीक है एन को हमने सिक्स रखा फिर लिखा है प्रूव दैट थर्टी एट टर्म ऑफ द ए पी थर्टी एट टर्म ऑफ एन ए पी मतलब अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कि एन को हम क्या लिखेंगे थर्टी एट टर्म ऑफ द ए पी हम अब एन को थर्टी रखते हैं इसी फॉर्मूले में एन एट टर्म वाले फॉर्मूले में ठीक है थर्टी रखते हैं तो देखिए हमने रखा यहाँ यहां पर ए थर्टी ए प्लस थर्टी माइनस वन इंटू डी एर्टी ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी ओके ये मेरा क्या आ गया थर्टी एट टर्म आ गया है क्या आ गया है थर्टी टर्म आ गया है इसको मैंने इक्वेशन टू कंसिडर कर लिया है विल कंसिडर दिस एज इक्वेशन टू ओके नाउ क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं देखिए प्रूव दैट द थर्टी टर्म ऑफ द ए पी इज थ्री टाइम्स इट्स फोर्टीन टर्म तो अब मैं क्या करता हूँ मेरे पास थर्टी टर्म है सिक्स टर्म है थर्टी टर्म है फोर्टीन टर्म भी मैं निकाल लेता हूँ कैसे निकालना है आपको पता है क्या करना है हमें यहाँ पे मैं एन टर्म के फॉर्मूले में एन की वैल्यू फोरटीन रखता हूँ ठीक है मैंने रखा तो क्या हो जाएगा ए फोर्टीन ए प्लस फोर्टीन माइनस वन इंटू डी ए फोर्टीन ए प्लस थर्टीन डी क्या हो गया ए प्लस थर्टीन डी ये हो गया इक्वेशन एक थ्री ठीक है बच्चों अभी तक क्वेश्चन जो जितना भी हमने पढ़ा उसमें क्या है इफ सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो थर्टी एट टर्म ऑफ एन ए पी एन फोर्टी एन फोर्टीन टर्म तो हमने ये सारे टर्म्स निकाल लिए हमने सिक्स टर्म निकाल लिया है थर्टी एट टर्म निकाल लिया है फोर्टीन टर्म निकाल लिया है ओके okay? ये चीज हमने की है अब मैं क्या करता हूँ देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ यहाँ लिखा है द दिक्कस टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी क्या है जीरो है अगर सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी जीरो तो वॉट डज इट मीन्स इट मीन्स ये जो ए सिक्स लिखा है इसकी प्लेस पे मैं क्या रख दूँ जीरो रख दूँ ठीक है ए सिक्स यानी सिक्स टर्म ये सिक्स टर्म क्या है जीरो है जीरो इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इस इक्वेशन से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो ए हमें यहां से इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ फाइव डी क्या मिल गया बच्चों ए क्या मिल गया हमें माइनस ऑफ फाइव डी इज दैट क्लियर अच्छा ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया अच्छा अब क्या करते हैं इस ए को कौन सी इक्वेशन में रखते हैं इक्वेशन टू में और इक्वेशन थ्री में रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए इन पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट ठीक है ए की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में रखी तो देखिए बच्चों कैसे इसको करेंगे समझते जाइए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमने ए की वैल्यू रखी तो ए थर्टी ए की वैल्यू माइनस फाइव डी यहाँ पे प्लस ट्वेंटी नाइन डी ठीक है ये देखिए ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से ट्वेंटी फोर डी तो ए थर्टी हमारे पास क्या गया? 24D आ गया ट्वेंटी फोर डी आ गया ठीक है अच्छा अब मैं क्या करता हूँ ए की वैल्यू इसमें रखते हैं देखते हैं क्या होता है भाई ए फोर्टीन माइनस फाइव डी प्लस थर्टीन डी ए फोर्टीन यहाँ पे हमें ये कितना मिल रहा है एट डी मिलेगा क्या मिलेगा एट डी मिलेगा अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं ये देखिए आप बहुत ध्यान से समझिए ए थर्टी आ गया हमारे पास और ए फोर्टीन हमारे पास आ गया है दोनों की वैल्यू हमें पता है थर्टी टर्म ट्वेंटी फोर डी है फोर्टीन टर्म एट डी है अब क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में बोला है सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो टाइम्स तीसवा टर्म जो है वो क्या है तीन गुना है इट्स फोर्टीन टर्म ठीक है फोर्टीन टर्म का कितना गुना है थ्री टाइम्स है तीन गुना है अब देखिए तीन गुना है भाई देखिए ए फोर्टीन और ए थर्टी तो क्या है हम इन दोनों को देखें, फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से दैट ए फोर्टीन इज थ्री टाइम्स ए फोर्टीन कह रहे हैं ए थर्टी ए थर्टी इज थ्री टाइम्स ऑफ ए फोर्टीन सिंपल सी बात है आप चेक भी कर सकते हैं बहुत सिंपल है समझिए इसको भाई कैसे ए थर्टी कितना है ट्वेंटी फोर डी थ्री ये कितना है ए फोर्टीन एट डी देखिए ट्वेंटी फोर डी अब जाके ये क्या है? वो ट्वेंटी फोर डी एल एच एस एच एस इक्वल तो हमें ये दिखाना था और वो हमने प्रूव कर दिया है ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस इसको इक्वेशन फोर कह दीजिए एंड इक्वेशन फाइव और मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव वी कैन से दैट ए थर्टी वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए फोर्टीन इज दैट क्लियर हमें यही क्वेश्चन में दिखाना था इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हमने क्या किया सिक्स टर्म ऑफ एन एपीजी प्रूफ दैट थर्टी टर्म ऑफ एन एपी इस थ्री टाइम्स इट्स फोर्टीन टर्म तो सबसे पहले मैंने दिखाया आपको लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस तो एन ए टर्म हमारा क्या होता है ये फॉर्मुला होता है जिसमें ए फर्स्ट टर्म होता है एन जो है टर्म होता है डी कॉमन डिफरेंस होता है सबसे पहले मैंने किया सिक्स टर्म निकाला सिक्स टर्म ये निकाला यहाँ से फिर हमें जीरो दिया था तो इसकी वैल्यू रखी जीरो यहाँ से ए निकल आया मेरा फिर थर्टियथ एंड फोर्टीन टर्म की बात थी तो एन की जगह थर्टी एंड फोर्टीन के मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया फिर इस ए की वैल्यू को इसमें पुट किया दोनों में तो मुझे इस तरह की चीज़ें मिल गई यहाँ पे ठीक है और फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन फोर एन फाइव यू कैन से दैट कि थर्टी टर्म जो है वो थ्री टाइम्स है किसका फोर्टी फोर्टीन टर्म का ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर टू देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझिएगा इस बात को क्वेश्चन में दिया है कि फाइव हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स डैट ऑफ हिस सन ठीक है कि जैकब की जो एज है वो क्या है उसके सन से तीन गुना है क्या है तीन गुना है फिर बुला है फाइव ईयर्स अगो पहले पांच साल पहले जैकब्स एज वॉज सेवन टाइम्स डेट ऑफ हिस सन ठीक है जैकब की एज क्या थी सात गुना थी अपने बेटे से वॉट आर देयर प्रेजेंट एज बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों ठीक है समझिएगा आसान भी है ठीक है बहुत आसान तरीके से हम लोग समझते हैं सबसे पहली चीज हमें क्या बताना है हमें इस क्वेश्चन में बताना है वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस ठीक है तो हमने कहा लेट हम क्या करेंगे सबसे पहले जो पूछा गया वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब ठीक है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स ठीक है और द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स ठीक है हमने क्या किया हमने यहाँ पे लेट कर लिया जो चीज़ हमें निकालनी थी उसको हमने पहले लेट कर लिया हमने कहा जेकअप की एज जो है वो x ईयर्स है और उसके लड़के की एज जो है वो क्या है y ईयर्स है हमने ये लेट कर लिया है सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे बोला है फाइव ईयर्स हैंस मतलब बाद में पाँच साल बाद की बात कर रहे हैं अगर आज प्रेजेंट एज, एज एक्स है और उसके लड़के की एज प्रेजेंट एज वाई है तो पांच साल बाद फाइव ईयर्स हेंस लिखा है इसका मतलब पांच साल बाद ठीक तो देखिए यहां मैं लिखता हूं फाइव ईयर्स में इनकी एज क्या है एक्स और वाई ठीक है पांच साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी एक्स प्लस फाइव हो जाएगी ईयर और सनस की एज क्या हो जाएगी वाई प्लस फाइव ईयर क्लियर बात है पांच साल बाद जो है जैकब की एज एक्स प्लस फाइव और सन की एज वाई प्लस फाइव हो जाएगी पर क्वेश्चन में जो हमको कंडीशन दी हुई है फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अब देखिए यहां पे बाय फर्स्ट कंडीशन ओके क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दी है देखिए द एज ऑफ जैकब जैकब की जो एज है उम्र जैकब की जो उम्र है विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ सन जैकब की एज पांच साल बाद जो है अपने लड़के से की एज की क्या होगी तीन गुना होगी जैकब विल बी थ्री टाइम्स डेट ऑफ इज सन जैकब की उम्र जो है अपने लड़के की उम्र से तीन गुना होगी तो देखिए पाँच साल बाद क्या सिचुएशन है आफ्टर फाइव ईयर्स एज क्या है ये है दोनों की दोनों की पाँच साल बाद एज ये है और कंडीशन क्या दिया है फाइव ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब तो एज ऑफ जैकब क्या है पाँच साल बाद x प्लस फाइव विल बी थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स ऑफ इज सन्स एज सन्स की एज क्या है वाई प्लस फाइव क्लियर बात है अच्छा अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस फिफ्टीन यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा इसको यहाँ लिखा मैंने एक्स थ्री वाई प्लस फिफ्टीन माइनस फाइव दिस विल गिव यू एक्स थ्री वाई प्लस टेन ओके ये हमें एक क्वेश्चन यहाँ से मिल रही है X will be equal to 3y plus 10. इसको मैंने क्वेश्चन वन कंसीडर कर लिया है ओके okay? अब क्वेश्चन में मुझसे एक और बात कही गई है जरा तो उस बात को भी समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला है कि 5 years अगो ठीक है जैसे इस बात को समझिएगा 5 ईयर hence, मतलब बाद में अब 5 years अगो की बात करें अगो मतलब पांच साल पहले ठीक है प्रेजेंट एज क्या है एक्स और वाई तो पांच साल पहले जैकब एज क्या है फाइव ईयर्स अगो में प्रेजेंट एक्स है तो एक्स माइनस फाइव ईयर्स सन सेज वाई माइनस फाइव ईयर्स क्लियर बात है पांच साल पहले यह हालत थी अब कंडीशन सेकेंड हमें क्या दी हुई है ठीक है सेकेंड कंडीशन ठीक है सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोला है देखते हैं क्वेश्चन में बोला है फाइव को जैकब्स एज वॉज सेवन टाइम्स डेट ऑफ सन जैकब की एज जो है वो क्या है सात गुना है अपने लड़के की एज से तो यहां पे देखिए एक कंडीशन बनेगी एक्स माइनस फाइव ठीक है पाँच साल पहले सात गुना थी लड़के की इससे तो वाई माइनस फाइव सिंपल मैंने ये लिखा इसको मैं सोल्व करूँगा आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट एक्स माइनस फाइव सेवन वाई सेवन फाइव थर्टी फाइव एक्स विल बी इक्वल टू सेवन वाई माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव एक्स विल भी सेवन वाई माइनस थर्टी ठीक है ये हो गया इसको मैंने इक्वेशन टू कंसिडर कर लिया है कंसिडर दिस एज इक्वेशन टू अच्छा अब आप देख रहे होंगे मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है तो अगर फ्रॉम वन एंड टू मैं देखता हूं कि इनके क्या एल एच एस बराबर है तो आर एच एस अपने आप इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन हमें क्या मिलता है थ्री वाई प्लस टेन भाई ये एक्स है एक्स की जगह पे ये रख दें सेवन वाई माइनस थर्टी ठीक है हमने लिखा सेवन वाई माइनस थ्री वाई टेन प्लस थर्टी ठीक है ये क्या हो गया चार तीन सात होता है तो ये फोर वाई हो गया यहाँ पे चालीस हो गया ठीक एंड वॉट वैल्यू ऑफ वाई वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई टेन ठीक है अब वाई की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ वन और टू में मैंने मान लीजिए वाई की वैल्यू इसमें पुट की इस इक्वेशन में तो एक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू टेन माइनस थर्टी ये हो गया सेवेंटी माइनस थर्टी ठीक है तो एक्स कितना आ गया फोर्टी ईयर्स ठीक है अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन है वट आर दे प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज एक्स माना था तो एक्स की वैल्यू क्या आई है फोर्टी ईयर्स तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है एक्स कितना है फोर्टी ईयर्स ठीक है अब एक्स की वैल्यू को मैं क्वेश्चन में पुट कर दूं या वाई देखिए वाई तो ऑलरेडी हमारे पास है तो सन की एज कितनी है ये एज जैकब की है और ये सन की एज है ओके तो हमसे यही पूछा था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस तो लड़का जो है उसकी एज दस साल है अब आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर आप देखिए प्रेजेंट एज ये है ठीक है इसको पाँच साल पीछे कर लीजिए तो पाँच साल पहले जैकब जो है फाइव इयर्स अगो जैकब कितने का हो गया थर्टी फाइव का हो गया ठीक है फाइव ईयर्स अगो जैकब एज ठीक है और इसको भी पाँच साल कर लीजिए तो ये पाँच साल का हो गया ठीक तो है times, गया, तो जैकब की एज क्या है सेवन टाइम्स डेट ऑफ सन फाइव में सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्टी फाइव आएगा कि नहीं आएगा ठीक है तो ये चीज है इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए नोट करिए इसको बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखिए बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है और छोटा भी है इसको समझिए बहुत अच्छे से यहां पे दिया है कि ए में अगर डी हमारा माइनस टू है एन फाइव है और टी एन ठीक है एन एटम हमारा जीरो है आपने अभी पढ़ा कि टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अच्छा इसी टी एन को हम क्या लिख देते हैं ए एन भी लिख सकते हैं इस तरह से भी इसको मैंने शुरुआत में आपको लिख के दिखाया है इसी को टी एन भी लिखा सकता है ठीक है एन एटम इस तरह से भी लिख सकते हैं तो समझिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है टी एन क्या है हमारा जीरो है फर्स्ट टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ए निकालना है एन कितना दिया है फाइव माइनस वन हो गया डी कितना दिया है माइनस टू दिया है तो देखिए जीरो है ए है पाँच में से एक गया चार बचा माइनस टू जीरो ए माइनस एट ठीक है यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई एट आ गई ठीक है दिस विल बी आर फाइनल आंसर बच्चों बहुत अच्छे से इसको देखिए समझिए ओके okay? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ ओके okay बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है देखिए इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री दिया है ठीक है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री अच्छा रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है टेन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री अब यहाँ से टेन टेन हट जाएगा हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंड दिस विल बी आर इक्वेशन वन क्लियर बात है ये हमारी इक्वेशन वन हो जाएगी अब देखिए इसी तरह से बात करते हैं दूसरी कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री टेन ए माइनस बी ये कितना हो गया टेन थर्टी डिग्री थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाय रूट थ्री यहां देखिए यहां से मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री एंड दिस इज आर इक्वेशन टू ठीक है ये हमारी इक्वेशन टू है अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे बहुत आसान है बच्चों ठीक है हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो एक इक्वेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एक इक्वेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री दोनों को ऐड किया हमने क्या किया ऐड किया तो ऐड किया तो बी बी कैंसिल हो गया यहाँ से हमें क्या मिलेगा टू ए सिक्स थ्री नाइन्टी हो गया ए कितना मिल जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री ए हमें कितना मिला फोर्टी फाइव डिग्री नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ ए इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो तो इसी इक्वेशन में रखते हैं ए की वैल्यू फोर्टी फाइव है माइनस बी है और ये थर्टी डिग्री है बी कितना हो गया फोर्टी फाइव माइनस थर्टी एंड द वैल्यू ऑफ बी विल बी फिफ्टीन डिग्री ओके और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए प्लस बी जो है वो जीरो से नाइन्टी के बीच में होना चाहिए नाइन्टी भी हो सकता है ठीक है वो देखिए ए प्लस बी करोगे तो क्या पैंतालीस और पंद्रह पाँच पाँच दस चार एक पाँच एक छः ठीक है तो ये समझिए इसके बीच में ही आ रहा है आपको दो एक क्वेश्चन दी थी टेन में टेन रूट थ्री कब होता है सिक्सटी के लिए होता है वो मैंने यहाँ पे रूट थ्री की जगह पे सिक्सटी रखा वन अपॉन रूट थ्री कब होता है थर्टी के लिए होता है दो इक्वेशन मिली दोनों को सॉल्व किया ऐड किया तो वहां से ए निकला आप सब ट्रैक्ट भी करके कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ओके तो नोट कर लीजिए बढ़ते हैं आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिये बच्चों क्वेश्चन दिया है इफ वन ऑफ द जीरोस वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये हमें एक क्वारिटिक पॉलिनल दिया हुआ है यहाँ पे ठीक है और बोला है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज माइनस थ्री ठीक है माइनस थ्री जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या है जीरोस है फाइंड द वैल्यू ऑफ के बहुत सिंपल है तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे लेट एफेक्स इज इक्वल टू के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और इसका ज़ीरोज़ क्या है माइनस थ्री माइनस थ्री क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो है तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस थ्री रखूंगा तो हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा क्लियर बात है यही तो होता है ज़ीरोज़ का मतलब तो यहाँ पे माइनस थ्री रखने पे ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जीरो होना चाहिए देखिए हमने रखा है यहाँ पर देखिए इसमें एफ ऑफ़ माइनस थ्री ये एफ एक्स दिया है इसमें एफ ऑफ माइनस थ्री रखा तो क्या हो जाएगा के माइनस वन एक्स की जगह पे माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है हमने ये रखा यहाँ पे देखिए के माइनस वन थ्री थ्री सा नाइन हो गया हम यहाँ पे ये यह हो जाएगा प्लस के माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ये नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो नाइन के माइनस थ्री के क्या हो जाएगा सिक्स के माइनस नाइन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये चीज़ हो गई यहाँ पे इसके बाद मैं इसको यहाँ लिखता हूँ सिक्स के माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो सिक्स के इज इक्वल टू एट के इज इक्वल टू एट बाई सिक्स ठीक है ये हो गया यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा टू फोर ज़ा टू थ्री जा एंड द वैल्यू ऑफ के इज फोर बाय थ्री दैट क्लियर तो बचो आज के ये पांच क्वेश्चन थे समझ लीजिए कि हमसे बोला वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनियल इज माइनस थ्री तो क्या करेंगे मतलब जीरोज है इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोम का मतलब क्या है यहाँ पे इस जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वही चीज़ें हैं हमने देखिए सिंपल वे में किया है तो आज के पांच क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों मिलते हैं कल कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ओके थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट माय वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग